Hello, good evening. हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल पर क्रैक ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम विद एडुकेटर क्वालिटी कंटेंट टॉप एडुकेटर क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण मेरे पास कुल नौ सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और आपके बीच लेकर के आता हूँ डेली बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के सेशन दोस्तों सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल में एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है अनकेडमी है की बात करें तो टोटल तो 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 तीस से ज़्यादा कैटेगरीज पर यह अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है आप हमसे किसी भी कैटेगरी में जुड़ सकते हैं हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है आपके लिए मैंने बनाया टेलीग्राम चैनल आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं जहाँ के एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे बैंक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अगर आप एक सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए फी है टोटल छः हज़ार और अगर दो सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए फी है टोटल बहत्तर सौ रुपये लेकिन जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे आर पी के टेन तो आपको टेन परसेंट तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और एक साल के लिए जहाँ पर फी थी छः हज़ार वहाँ लगेंगे पाँच हजार चार सौ और दो सालों के लिए जहाँ पर फी थी बहत्तर सौ रुपये वहाँ लाएंगे छः हज़ार चार सौ अस्सी तो मेरा रेफरल कोड आप लोग जरूर याद रखिएगा आर पी के टेन सब लोग लाइव आ जाइए और अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है नवंबर महीने का ये करंट अफेयर्स है आज कोशिश रहेगी कि नवंबर और दिसंबर हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लें तो क्वेश्चन है कि फुटबॉलर डियोगो डियोगो मैराडोना हैज पास्ट अवे रिसेंटली ही वाज फ्रॉम विच कंट्री फुटबॉलर डियोगो मैराडोना का हाल ही में निधन हो गया वह किस देश से थे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि फुटबॉलर डिएगो मेरेडोना का हाल ही में निधन हो गया वो किस देश से थे चिली पेरू कोलंबिया अर्जेंटीना या वेनेजुएला तो क्वेश्चन है कि फुटबॉलर डिएगो मेरेडोना हैज पास वे रिसेंटली ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री यानी कि फुटबॉलर डिएगो मेरेडोना का हाल में निधन हो गया वह किस देश से थे चिली पेरू कोलंबिया अर्जेंटीना और वेनेजुएला क्वेश्चन है फुटबॉलर डिएगो माराडोना हैज पास्ट रिसेंटली ही वाज़ फ्रॉम विच कंट्री चिली पेरू कोलम्बिया अर्जेंटीना और वेनेजुएला आपको बता दे इसका आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पर तो अर्जेंटीना अर्जेंटीना यानी कि महान अर्जेंटीना फुटबॉलर डिएगो माराडोना जो व्यापक रूप से सभी समय के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं का निधन साठ वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट के कारण हो गया अर्जेंटीना की बात करें तो इसके कैपिटल कौन है तो बियोनास एरिस और करेंसी कौन सी पेसो प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नाडिस नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेक बार्कले ग्रेक बार्कलेज इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज फ्रॉम विच कंट्री यानी ग्रेक वार्केल का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया वह किस देश से हैं? ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड इंग्लैंड आइसलैंड और न्यूजीलैंड क्वेश्चन है स्क्रीन पर ग्रेक वार्कले हैज बिन इलेक्टेड एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही इज फ्रॉम विच कंट्री ग्रेक वार्केल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वह किस देश से हैं सभी न्यूजीलैंड आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड यानी कि न्यूजीलैंड न्यूजी के ग्रेक बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के प्रमुख एन न्जेस, यानी न्जेस, बार्कले ने दूसरे दौर के मतदान के दौर में इमरान ख्वाजा को हराया शशांक मनोहर को इस साल जुलाई के में पद से हटने के बाद इमरान अंतरिम चेयरमैन थे न्यूजीलैंड की बात करें अगर तो कैपिटल हैज वर्चुअली लॉन्च नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन एंड इनग्रेटेड गरिमा ग्रेह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर इन बडोदरा गुजरात किसने वडोदरा गुजरात में एक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गरिमा ग्राय शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर का उद्घाटन किया फर्स्ट ऑप्शन नरेंद्र मोदी सेकेंड है रमेश पोखरियाल निशंक चौथा है थावरचंद गहलोत और पांचवा निर्मला सीतारमन तो क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्वेश्चन है कि हु हैज वर्चुअली ए नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन एंड इनोग्रेटेड ए गरिमा ग्रे गरिमा ग्रे, गरिमा ग्रे। ए सेल्टर होम गरिमा गृह कहते हैं फॉर ट्रांसजेंडर इन बडोदरा गुजरात यानी किसने बड़ोदरा गुजरात में एक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गरिमा गृह ए सेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर का उद्घाटन किया है तो इसका आंसर हो जाएगा थावर चंद्र गहलोत यानी yani, कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद्र गहलोत ने बडोदरा गुजरात में 25 नवंबर 2020 को एक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल शुरू किया है गरिमा गृह एक शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का भी उद्घाटन किया रवि रेणुका थावरचंद गहलोत शिवम निधि सी यानी कि वर्तमान समय में अगर हाँ हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर गवर्नमेंट कौन है तो थावर चंद्र गहलोत नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लॉन्च्ड हिम सुरक्षा अभियान हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है फर्स्ट ऑप्शन नवीन पटनायक सेकेंड है सर्वानंद सोनेवाल थर्ड है बंदारू दत्तात्रेय फोर्थ है जयराम ठाकुर एंड फिफ्थ है है प्रेम सिंह तमांग तो क्वेश्चन चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश।, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी वर्तमान में शुरू किया है हिम सुरक्षा अभियान वर्तमान में हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है रवि रेणुका जयराम ठाकुर विवेक बी नंबर है सर्वानंद सोनेवाल विवेक सर्वानंद सोनेवाल आसाम में आपको बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा तो जयराम ठाकुर ठीक यानी कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने और राज्य में डोर दो टू डोर अभियान टीबी सुगर रक्तचाप आदि के लक्षणों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है शिमला चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर और गवर्नर कौन है तो बंदारू दत्तात्रेय नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उत्तर प्रदेश ने अयोध्या जिले में हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है क्वेश्चन है तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट हैज अप्रूव द प्रपोजल टू रीनेम द एयरपोर्ट इन अयोध्या डिस्ट्रिक्ट टू मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या जिले में हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है पहला ऑप्शन है के चंद्रशेखर राव दूसरा विजय रूपानी तीसरा अखिलेश यादव चौथा है योगी आदित्यनाथ और पांचवा अरविंद केजरीवाल रवि रेणुका योगी जी पुणेकर आकाश सी वेरी गुड मॉर्निंग डी नंबर तो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या जिले के हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन है बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है इसकी कहा लखनऊ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर को आनंदी बेन पटेल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, लिमिटेड विद डी बी एस बैंक लिमिटेड यानी कि डी बी एस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ संकटग्रस्त लक्ष्मी, लक्ष्मी बिलास बैंक लक्ष्मी विलास बैंक का समामेलन किसने मंजूरी दी है नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह अमित शाह निर्मला सीतारमण या हरदीप सिंह पुरी तो अमल गमेशन की बात हो रही है कि हु हैज्रूव दमेशन ऑफ क्राइसिसलास बैंक लिमिटेड विद डी बैंक इंडिया लिमिटेड यानी कि डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड का समावेलन किसने मंजूरी दी है पुनेकर आकाश जी नंबर बहुत बढ़िया इसका आंसर हम आपको बता दें क्या होगा नरेंद्र मोदी जी यानी कि लक्ष्मी विलास बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तीस दिन की मोहलत के तहत लगभग एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के लिए चेन्नई स्थित बैंक को समामेलन योजना की मंजूरी दे दी है लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक दोनों का मर्ज हो जाएगा टिपटी गवर्नर ऑफ आरबीआई की बात करें तो बीपी कानून को एमके जैन माइकल देवव्रत पात्रा एम राजेश्वर राव और लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो हेड चेन्नई सीईओ कौन है तो पार्थ सारथी मुखर्जी टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। आरबीआई की बात करें तो हेडक्वार्टर क्वार्टर है मुंबई गवर्नर कौन है सत्यकांत दास डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर क्वार्टर है मुंबई और सीईओ कौन है तो सुरोजित सू नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के परियोजना के लिए 2 लाख uh, मतलब 24985 करोड़ चौबीस हजार यहाँ नहीं लगा के यहाँ लगाना चाहिए चौबीस हजार नौ सौ पचासी करोड़ का अनुबंध इस आधारभूत संरचना के लिए किया है द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन हैज साइंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एटी फाइव करोड़ फॉर द अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट विद विच इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस इंडस्ट्री लार्सन टर्बो अडानी स्पोर्ट्स एंड सेज डी और टाटा रियलिटी अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए चौबीस हजार नौ सौ पचासी करोड़ रुपए का अनुबंध किस आधारभूत संरचना के लिए किया आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा लार्सन एंड टर्बो एल एन टी जिसको कहते हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के 237 किलोमीटर वियाट और अन्य प्रतिष्ठानों के निर्माण के लिए दार्शन टर्बो के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है चौबीस करोड़ रुपए में यह डिजाइन के लिए देश के सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा अनुबंध है नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली यानी कि बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है तेजस्वी यादव संतोष कुमार मांझी सुशील कुमार मोदी जीतन राम मांझी और विजय कुमार सिन्हा क्वेश्चन तो है न्यू स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली यानी कि बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है तेजस्वी यादव संतोष कुमार मांझी सुशील कुमार मोदी जीतन राम मांझी और विजय कुमार सिन्हा रवि रेणुका वी के सिन्हा सब लोग क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन है कि इलेक्टेड द न्यू स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली यानी बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है इसका आंसर हो जाएगा विजय कुमार सिन्हा विजय कुमार सिन्हा यानी कि लखीसराय के तीन बार के भाजपा विधायक और पूर्व राज्य मंत्री विजय कुमार सिन्हा उच्च नाटक के बीच बिहार विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं। बिहार जिसके कैपिटल पटना चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और गवर्नर को फगु चौहान नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज नेम्ड विच वर्ल्ड एज द वर्ल्ड ऑफ वर्ड ऑफ द ईयर यानी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष का शब्द कहा पहला ऑप्शन है आइसोलेशन दूसरा थर्ड क्लाइमेट इमरजेंसी फोर्थ है एंड फिफ्थ यूथ क्वेक बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज नेम्ड एज द वर्ड द वर्ड ऑफ द ईयर यानी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष का शब्द कहा आइसोलेशन क्वारंटाइन क्लाइमेट इमरजेंसी प्वाइजनस या फिर यूथ क्वारंटाइन आपको बता दें संगरोध कहते हैं इसे हम लोग संग जानते रहना और रोध मतलब नहीं रहना तो को कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2020 वर्ड ऑफ द ईयर का नाम दिया गया कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार संगरोध दो में अपनी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा खोले जाने वाले शब्दों में से एक था क्वारंटाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज रीस्टोर्ड the government recognition or to archery association of india as the national sports federation for promotion and regulation of archery sports in the country who is the minister of youth affairs and sports yani ki yuva mamlon aur khel mantralay ne desh mein tirandazi khel ke samvardhan aur विनियमन के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में भारत के तीरंदाजी संघ को सरकारी मान्यता प्रदान की है युवा मामलों के खेल मंत्री कौन है जितेंद्र सिंह प्रकाश जावड़ेकर हर्षवर्धन किरण रिजू या फिर रमेश पोखरियाल रवि रेणुका किरण रिजू तो क्वेश्चन है कि युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने देश के तीरंदाजी खेल के संवर्धन और विनियमन के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में भारत के तीरंदाजी संघ को सरकारी मान्यता प्रदान की है युवा मामलों के खेल मंत्री कौन है तो आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा किरण रिजू किरण यानी कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश में तीरंदाजी खेल के, प्रचार और नियमन के लिए भारत के तीरंदाजी एसोसिएशन को एक राष्ट्र खेल संघ के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की है जनजातीय मामलों के मंत्री और भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने युवा मामलों और खेल मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया श्री मुंडा ने इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारतीय तीरंदाजी के लिए एक नए युग की शुरुआत है किरण रिजू युवा मामलों के खेल मंत्री हैं है, कम्युनिकेशन कॉल विल बी डाइल्ड विद फ्रिफिक्स प्रिफिक्स जीरो फ्रॉम विच डेट यानी कि संचार मंत्रालय ने कहा कि सभी फिक्स्ड से मोबाइल कॉल को किस तारीख उपसर्ग जीरो के साथ डायल किया जाएगा फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थर्ड है फर्स्ट फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी क्वेश्चन था कि संचार मंत्रालय ने कहा कि सभी फिक्स से मोबाइल कॉल को किस तारीख उपसर्ग जीरो के साथ डायल किया जाएगा आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा 15 जनवरी 2021 यानी 15 जनवरी 2021 से सभी फिक्स्ड मोबाइल कॉल उपसर्ग जीरो के साथ डायल किए जाएंगे टू मोबाइल कॉल डायलिंग प्लान में कोई बदलाव नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा केमिकल्स के अतिरिक्त निदेशक और टाटा समूह के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया विजय वर्धन पीडी वाघेला ज्ञानेंद्र निगम बैंक के टी चंद्रशेखरन और एम अजीत कुमार तो क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ टाटा केमिकल्स एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द टाटा ग्रुप यदि टाटा केमिकल्स के अतिरिक्त निदेशक और टाटा समूह के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है विजयवर्धन बी डी बाघेला ज्ञानेन्द्र निगम बैंक के एन चंद्रशेखरन और एम अजीत कुमार इसका आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन यानी टाटा समूह की कंपनी ने एन चंद्रशेखरन को 24 नवंबर 2020 को प्रभावी कंपनी के मंडल निदेशक मंडल के अतिरिक्त निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर किस राज्य सरकार ने छः महीने की अवधि के लिए सभी राज्य सरकार के विभागों निगमों और अधिकारियों पर हमले पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम ई लागू किया है क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने छह महीने की अवधि के लिए सभी राज्य विभागों निगमों और अधिकारियों के हमले पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम ईएसएमए जिसको एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट कहते हैं अभी लागू किया है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बता दें उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवाओं के रख रह रखाव अधिनियम को बढ़ा दिया है इसके तहत सभी विभागों और निगमों में एक से एक और छः महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया ई एस एमए जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है कि तो पुलिस को बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार देता है जो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है स्टेट Uh, बिहार यूपी की बात करें उत्तर प्रदेश तो कैपिटल है लखनऊ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है तो आनंदी बेन पटेल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमद पटेल हैज पास वे रिसेंटली ही बिलोंग्स टू विच फील्ड यानी कि अहमद पटेल का हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित थे राइटर पोएट एक्टर डायरेक्टर और पॉलिटिशियन क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पर है बताइएगा आंसर क्वेश्चन है अहमद पटेल हैज पास्ट वे रिसेंटली ही बिलोंग्स टू विच फील्ड यानी कि अहमद पटेल का हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित थे राइटर पोएट एक्टर डायरेक्टर और पॉलिटिशियन तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अहमद पटेल हैज पास्ट वीसेंटली ही बिलोंग्स टू विच फील्ड यानी कि अहमद पटेल जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित थे राइटर पोएट एक्टर डायरेक्टर और पॉलिटिशियन बताइए का क्या होगा आपको बता दें पॉलिटिशियन यानी कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल जो कोविड नाइन्टीन के लिए सकारात्मक परीक्षण और गुरुग्राम के अस्पताल में इलाज करा रहे थे पच्चीस नवंबर को उनका निधन हो गया वो इकहत्तर वर्ष के थे अहमद पटेल ये कुल नवंबर महीने करंट अफेयर्स था अब हम लोग बेसिकली डिस्कशन करेंगे कल से आज तक में नवंबर महीने कंप्लीट हो गए हैं अब जो है दिसंबर महीने करंट अफेयर्स है तो क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय फार्मा कंपनी हर साल रूसी कोविड 19 वैक्सीन स्पुतनिक वी की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी विच इंडियन फार्मा कंपनी विल बी मैन्युफैक्चर ओवर 100 मिलियन डोज ऑफ रशियन कोविड नाइन्टीन वैक्सीन स्पुतनिक वी एवरी ईयर कौन सी भारतीय कंपनी फार्मा कौन सी भारतीय फार्मा कंपनी हर साल रूसी कोविड नाइन्टीन वैक्सीन स्पुतनिक वी की सौ मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी बताइएगा क्वेश्चन का आंसर पहला ऑप्शन है सीपला दूसरा ग्लेड मार्क तीसरा माइलिन चौथा हेटेरो और पांचवा है माइन कैंड मैन काइंड रवि हेटेरो तो आंसर हो जाएगा क्या तो हेटेरो रूस डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड ने भारत में रूस के कोविड वैक्सीन स्पुतनिक की मिलियन से अधिक खुराक का उत्पादन करने के लिए हैदराबाद स्थित ड्रग मेकर हेट्रोबायोलॉजिक्स के साथ अपने समझौते की घोषणा किए हैं रशिया की बात करें तो कैपिटल है मॉस्को प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन करेंसी रूबल और कॉन्टिनेंट कौन सा थी? यूरोप एशिया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्लूडिंग पोंगल फेस्टिवल डेज इन इट्स लिस्ट यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी छुट्टियों में में की सूची पोंगल त्यौहार के दिनों को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है केरला तमिलनाडु तेलंगाना आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तो क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी छुट्टियों को सूची में पोंगल त्योहार के दिनों को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया केरला तमिलनाडु तेलंगाना आंध्र प्रदेश और कर्नाटका रवि का तमिलनाडु आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पी पलानी स्वामी ने अपनी छुट्टियों की सूची में पोंगल त्योहार के दिनों को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया फसल उत्सव चौदह से पंद्रह जनवरी को पड़ता है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए अवकाश घोषित किया जाता है तमिलनाडु की बात करें तो कैपिटल है चेन्नई, चीफ के पलानी स्वामी और गवर्नर कौन है तो भंवरलाल पुरोहित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री है तीसरी कौन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द आर्कटिक यानी किस देश ने आर्कटिक में एक तीसरी कौन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया यूएसए चाइना जापान इंडिया और रशिया बताएगा निधि सिंह वेरी गुड मॉर्निंग क्वेश्चन है किस देश ने आर्कटिक में एक तीसरी कौन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया सिंह नंबर आपको बता दे इसका आंसर हो जाएगा रशिया इसका आंसर हो जाएगा रशिया यानी कि रूस के आर्कटिक में तीसरी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है देश के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की रशिया की बात करें तो कैपिटल है इसकी मॉस्को प्रेसिडेंट है व्लादिमिर पुतिन करेंसी है रूबल और कॉन्टिनेंट कौन सा तो यूरोप एशिया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज द थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो यानी कि थ्री ग्लोबल रेन्यबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है नरेंद्र मोदी निर्मला सीतारमन हर्षवर्धन राजनाथ सिंह पीयूष गोयल तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है हु हैज इनोग्रेटेड द थर्ड ग्लोबल रिनुबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो यानी कि थ्री ग्लोबल रिन्यबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है नरेंद्र मोदी निर्मला सीतारमन हर्षवर्धन राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल मोदी निधि सिंह ए नंबर तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि थर्ड ग्लोबल एनर्जी एनर्जी मीट एंड एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है रवि रेणुका एन मोदी निधि सिंह ए नंबर हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा के निवेश के लिए निवेशकों को लुभाने के लिए छब्बीस नवंबर को तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक एक्सपो री 2020 टू थाउजेंड ट्वेंटी का उद्घाटन किया भारत ने दो हजार बाईस तक अक्षय ऊर्जा का, का एक सौ पचहत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मी यानी कि, कि भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बिपिन रावत मनोज मुकुंद नरवाने हरपाल सिंह अजीत डोभाल और बीरेंद्र सिंह धनोआ तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हु हैज बिन अपॉइंटेड एज ए न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बताइएगा बिपिन रावत मनोज मुकुंद नरवाने हरपाल सिंह अजीत डोभाल और बीरेंद्र सिंह धनोआ तो का है, सिंह ये नंबर तो क्वेश्चन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इंडियन आर्मी भारतीय सेना, सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है प्रवीडियन का हरपाल सिंह निधि सिंह ए नंबर आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा हरपाल सिंह यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है वो वर्तमान में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक और एक दिसंबर को अपनी नई नियुक्ति करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में दो देश के बीच सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए नीदरलैंड नॉर्वे स्विट्जरलैंड स्वीडन या आइसलैंड या फिनलैंड क्वेश्चन का आंसर होता है क्वेश्चन है कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में दो देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं नीदरलैंड नॉर्वे स्वीडन आइसलैंड और फिनलैंड तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इंडिया साइंड एन एमओयू कंट्री फॉर डेवलपिंग कॉपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इसका आंसर हम आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड कि भारत फिनलैंड पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग विकसित करने के लिए भारत और फिनलैंड ने हाल ही में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में दो देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं फिनलैंड की बात करें तो कैपिटल है हेलासिंकी करेंसी यूरो प्राइम मिनिस्टर की बात करें अगर तो सना मरीन और प्रेसिडेंट है साउली नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनियन टेरिटोरी सोलर पावर प्रोजेक्ट यानी कि किस देश किन, किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे बड़ी आ, सौर ऊर्जा को परियोजना मिली है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख न्यू दिल्ली लक्षद्वीप और अंडमान एंड और निकोबारे और उनका फिनलैंड तो क्वेश्चन है कि विच यूनियन टेरिटोरी हैज गोट द गॉट द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश को सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना मिली है लद्दाख आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख यानी कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में ला ले आईएएफ स्टेशन पर की मेक इन इंडिया पहल के तहत सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना सेटअप मिला जो जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक तरीकों के लिए अस्थाई ऊर्जा विकल्प प्रदान करता है लद्दाख की बात करें कैपिटल लेह कारगिल और गवर्नर कौन है तो आर के माथुर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिट हैज द सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया स्कूल वीक यानी कि फिट इंडिया स्कूल वीक के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसने किया है जितेंद्र सिंह प्रकाश जावड़ेकर हर्षवर्धन किरण रिज्जू और रमेश पोखरियाल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हैज लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया स्कूल विक यानी कि फिट इंडिया स्कूल वीक के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसने किया है जितेंद्र सिंह प्रकाश हर्ष हर्षवर्धन किरण रिजू या रमेश पोखरियाल इनका किरण रिजू इसका आंसर हो जाएगा किरण रिजू यानी खेल मंत्री किरण रिजू ने फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है फकीर चंद्र कोहली हैज पास रिसेंटली ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आई टी इंडस्ट्री यानी कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ विच आई टी कंपनी फकीर चंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया उन्हें भारतीय आई टी उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है वह किस आई टी कंपनी के संस्थापक थे कौन फकीर चंद्र कोहली जिनका हाल ही में निधन हो गया वो उन्हें भारतीय आई टी उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है वो किस आई टी कंपनी के संस्थापक थे इसका आंसर हो जाएगा टीसीएस ठीक टीसीएस रविंद्र का टीसीएस बहुत बढ़िया टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के संस्थापक और पहले सीईओ फकीर चंद्र कोहली का कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया वो छियानवे वर्ष के थे नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द फिलिस्तीन पीपल इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे यानी फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है अट्ठाईस नवंबर, उनतीस नवंबर तीस नवंबर, फर्स्ट दिसंबर एंड सेकेंड दिसंबर क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डे ऑफ सोलिटेरिटी विद द फिलिस्तीन पीपल इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे यानि फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है

The National Organ Donation Day is observed every year on which day? क्वेश्चन है कि नेशनल ऑर्गन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे राष्ट्रीय अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है रविरेन का 27 निधि सिंह 27 इसका आंसर हो जाएगा 27 नवंबर यानी हर साल पिछले 10 वर्षों में 27 नवंबर को देश में भारतीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में अंगदान हमेशा से कम रहा है अनुमान के मुताबिक स्पेन में 35 और अमेरिका के छब्बीस की तुलना में हमारे देश में प्रति मिलियन जनसंख्या पर ही दान दा हाईवे प्रोजेक्ट इन विच स्टेट यानी नितिन गडकरी ने किस राज्य में सोलह राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला का उद्घाटन किया बिहार तमिलनाडु उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश और कर्नाटका क्वेश्चन है कि नितिन गडकरी हैज लीड द लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल हाईवे इन स्टेट यानी कि नितिन गडकरी ने किस राज्य में सोलह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला का उद्घाटन किया बिहार तमिलनाडु उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश और कर्नाटक बताएगा आंसर रेणुका यूपी इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश राज्य में सोलह राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया ये राजमार्ग परियोजनाएं कुल 505 किलोमीटर की सड़क की लंबाई को कवर करती है और इन इंफ्रा परियोजनाओं के निर्माण पर लगभग साढ़े सात हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैपिटल लखनऊ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है आनंदी बेन पटेल नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनार कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी हैज लॉन्च 1971 किलोमीटर साइकिलिंग एक्सपेंडिशन इन गुजरात एंड इन विच स्टेट इन क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने कोनार क्रॉप्स भारतीय सेना के कोनार क्रॉप्स ने गुजरात और किस राज्य में उन्नीस किलोमीटर की बाइकिंग अभियान शुरू किया है जम्मू एंड कश्मीर न्यू दिल्ली महाराष्ट्र कर्नाटका और राजस्थान तो क्वेश्चन है भारतीय सेना के क्रॉप्स ने गुजरात और किस राज्य में उन्नीस किलोमीटर के बाइकिंग अभियान शुरू किया है जम्मू एंड कश्मीर, न्यू दिल्ली महाराष्ट्र कर्नाटका और राजस्थान का कर्नाटका इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान यानी कि भारतीय सेना के कोनार्क ने उन्नीस में भारत पाक युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों के स्वर्ण जयंती विजय उत्सव के उपलक्ष्य में गुजरात और राजस्थान में इकहत्तर किलोमीटर के साइकिलिंग की शुरुआत की है गुजरात की बात करें तो कैपिटल है गांधीनगर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी गवर्नर है आचार्य देवव्रत राजस्थान की बात करें तो कैपिटल जयपुर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और गवर्नर है कालराज मिश्रा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टर अली जैकर हैज पास बे रिसेंटली ही वाज फ्रॉम विच कंट्री अभिनेता अल जैकर का हाल ही में निधन हो गया वह किस देश से थे मलेशिया सिंगापुर मालदीव श्रीलंका और बांग्लादेश कुरुबा श्वेता जी महाराष्ट्र क्वेश्चन है कि एक्टर अली जैकर हैज पास्ट अवे रिसेंटली ही वाज फ्रॉम विच कंट्री रवि उनका बांग्लादेश कुरुबा श्वेता जी मालदीव यानी एक्टर अली जैकर हैज पास्ट अवे रिसेंटली ही वाज फ्रॉम विच कंट्री

नवंबर को प्रतिवर्ष लक्षित दिवस मनाया जा मनाया है सिक्किम मणिपुर मिजोरम आसाम और मेघालय तो क्वेश्चन है कि विच स्टेट है सेलिब्रेटेड लक्षित दिवस लक्षित दिवस एनुअली ऑन ट्वेंटी फोर्थ नवंबर यानी किस राज्य ने चौबीस नवंबर को प्रतिवर्ष लक्षित दिवस मनाया है क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड लक्षित दिवस एनुअली ऑन ट्वेंटी नवंबर नवम्बर का आशाम आपको बता दीजिए इसका आंसर हो जाएगा आशाम यानी कि हर साल हर साल 24 नवंबर को लक्षित दिवस लक्षित दिवस बोरो फुकुन की वीरता और सलाई घाट और आसाम की सेना की जीत के लिए उपलक्ष्य मनाया जाता है लक्षित दिवस आसाम के इतिहास में प्रसिद्ध जनरल लक्षित बोरो फुकुन के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है आसाम की बात करें अगर हम लोग तो आसाम की कैपिटल गांधीशपुर चीफ मिनिस्टर सर्वानंद सोनेवाल गवर्नर को जगदीश मुखी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नवंबर 2020 यानी किस संगठन ने 23 नवंबर से 29 नवंबर 2020 तक देश में निवेशक विश्व निवेशक सप्ताह WIW बनाया है यूनिसेफ इंडिया आरबीआई नवाड सीबी और एसबीआई तो क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑब्जर्वड वर्ल्ड इन्वेस्टर्स वीक इन द कंट्री फ्रॉम 23rd नवंबर टू 29th नवंबर 2020 यानी किस संगठन ने 23 नवंबर से 29 नवंबर 2020 तक देश के विश्व निवेशक सप्ताह के रूप में मनाया है बता दे इसका आंसर हो जाएगा सेबी रविंद्र का सेबी पुणे का आकाश सेबी इसका आंसर क्या होगा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारत ने सेबी भारत में सेबी नहीं सप्ताह मनाने के लिए 23 से 29 नवंबर 2020 का सप्ताह चुना है और एएमएफआई एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया और विभिन्न सदस्य एएमसी मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में बात हो रही है कई निवेशक जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित करेंगे वर्ल्ड इन्वेस्टर्स वीक इवेंट्स से भी ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डोमेस्टिक एयरलाइन लॉन्च्ड इट्स डेडिकेटेड फ्री फाइटर फ्री होगा स्पेलिंग एक और होगा फ्री फाइटर सर्विस टू लेह इन लद्दाख यानी किस घरेलू एयरलाइन ने लद्दाख लेह लद्दाख के लेह में अपनी समर्पित फ्री फाइटरों की समर सेवाओं की शुरुआत की है एयर इंडिया गो एयर इंडिगो स्पाइसजेट और विस्तारा तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच डोमेस्टिक एयरलाइन लॉन्च्ड इट्स डेडिकेटेड फ्री फाइटर सर्विसेज टू ले इन लद्दाख एयर इंडिया गो एयर इंडिगो स्पाइसजेट और विस्तारा वाला आंसर है विदिन का स्पाइसजेट को बता दें इसका आंसर हो जाएगा स्पाइस जेट यानी कि बजट वाहक स्पाइस जेट ने तेरह टन कार्गो की आपूर्ति के साथ लद्दाख के सबसे बड़े शहर लद्दाख के लिए उड़ान के शुभारंभ के लिए अपने ले में अपने समर्पित मालवाहक सेवाओं की शुरुआत की है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिमबरेंस ऑफ ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वाटर वर्ल्ड वाइड इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे कि दुनिया भर में हर साल के केमिकल वॉरफेयर पीड़ितों को याद कब किया जाता है ट्वेंटी एट नवंबर ट्वेंटी नाइन्थ नवंबर थर्टी फर्स्ट दिसंबर और दिसंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बताइएगा क्वेश्चन है दुनिया भर में हर साल केमिकल वॉरफेयर के पीड़ितों को याद कब किया जाता है आपको बता दें इसका आंसर होगा थर्टींथ नवंबर यानी कि अपने बीसवें सत्र में रासायनिक सम्मेलन हथियार सम्मेलन में राज्यों की पार्टियों के सम्मेलन में निर्णय लिया कि रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए एक यादगार दिन उनके वर्ष 30 नवंबर को मनाया जाएगा यह सम्मेलन के नियमित नियमित सत्र के पहले दिन उपयुक्त होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस द थर्ड स्टिमुलस पैकेज ऑफ हाउ मच करोड़ फॉर द मिशन कोविड सुरक्षा द इंडियन कोविड नाइन्टीन वैक्सीन डेवलपमेंट मिशन यानी भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन कोविड सुरक्षा इंडियन कोविड नाइन्टीन वैक्सीन के डेवलपमेंट मिशन के लिए कितने करोड़ के तीसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है 500 या 600 करोड़ 800 करोड़ 900 करोड़ और 1200 करोड़ करोड़ का 900 इसका आंसर हो जाएगा 900 करोड़ यानी भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रुपए के तीसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की मिशन कोविड सुरक्षा के लिए 900 करोड़ भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन या अनुदान भारतीय कोविड-19 टीकों के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच कंट्री हैज होस्ट द मीटिंग ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको हम लोग आपको बता दे कहते हैं एससीओ सी ओ इस तरह से ब्रिक्स होता है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका इबसा होता है ब्रिक्स होता है उसी तरीके का ये होता है क्या तो एस सी ओ उसी तरह की ग्लोबल समिट चलती है ग्लोबल समिट सम, मतलब शिखर सम्मेलन तो क्वेश्चन है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस सी ओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कि बैठक की मेजबानी किस देश ने की है आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा इंडिया यानी कि भारत ने 30 नवंबर को आठ देशों की संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक की मेजबानी की लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में शामिल नहीं हुई जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की है नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कई परियोजनाओं शिकायतों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए तेरहवीं बैठक ते बैठ, आ, ते बैठक की अध्यक्षता किसने की नरेंद्र मोदी निर्मला हर्षवर्धन राजनाथ सिंह या पीयूष गोयल आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है जिसने प्रगति के माध्यम से प्रधानमंत्री की तैतीसवीं बातचीत को चिन्हित किया केंद्र और राज्य को शामिल करने के लिए शामिल करते हुए प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इंप्लीमेंटेशन आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म क्वेश्चन हैज प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी हाउ मच ईयर यानी ने भारत के वास्तविक जीडीपी को फाइनेंशियल ईयर दो हजार में कितना अनुमानित किया है -20,

एक एसएमएस वेतन कार्य क्षमता शुरू की है एसबीआई, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक एचडीएफसी बैंक बैंक। बैंक और यस yes यस तो का वेतन कार्य क्षमता शुरू की है जो व्यापारी और ग्राहकों के बीच संपर्क रहित भुगतान स्वीकार करने, करने में सक्षम बनाती है सुविधा फ्रेंच आ, भुगतान सेवा कंपनी वर्ल्ड लाइन के सहयोग पर की गई थी यह कहते हुए सुविधा व्यापारियों पीओएस एस टर्मिनलो टर्मिनलों की दूरास्थ भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देता है और इस प्रकार ग्राहकों का सुरक्षित और दूर से लेन देन करने की अनुमति देता है यस बैंक की बात करें तो यस बैंक की हेडक्वार्टर का मुंबई चीफ चेयरमैन है प्रशांत कुमार टैगलाइन है हैज गिवन अप्रूवल फॉर मैनेज मर्जर ऑफ भारतीय जनरल इंश्योरेंस

ठीक निधि सिंह यस बैंक रवि डी का आई डी ए तो क्वेश्चन था कि हु हैज गिवन द अप्रूवल फॉर द मर्जर ऑफ भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस विद आईसीआईसी लुम्बार आईसीआईसी लुम्बार के साथ भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के विलय की मंजूरी किसने दी है

प्राधिकरण आई ने ट्वेंटी सेवन को सैद्धांतिक रूप से आईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस द्वारा भारतीय जनरल इंश्योरेंस कंपनी के के गैर जिमा व्यवसाय अधिग्रहण को मंजूरी दी है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टर डेविड प्रॉस हैच कंट्री तो क्वेश्चन है अभिनेता डेविड प्रॉस का हाल ही में निधन हो गया वो किस देश से थे यूएसए यूके ऑस्ट्रेलिया स्पेन और इटली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक्टर डेविड प्रॉस हैज पास्ट वे रिसेंटली ही वाज़ फ्रॉम विच कंट्री अभिनेता डेविड प्रॉस का हाल में निधन हो गया वह किस देश से थे एक्टर डेविड प्रॉस हैज पास्ट वे रिसेंटली ही वाज़ फ्रॉम विच कंट्री आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यूके यानी कि स्टार वॉर्स खलनायक डार्ट वॉथर ने काले मुखटे के पीछे अभिनेता ब्रिटिश अभिनेता डेविड प्रॉस का पचासी वर्ष की आयु में निधन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन मूवी हैज बिन सेलेक्टेड फॉर द ऑस्कर 2021 यानी कि ऑस्कर 2021 के लिए किस भारतीय फिल्म का चयन किया गया है लुसीफायर दिल्ली क्राइम जल्दी कट्टू अथिरन और लुका तो क्वेश्चन है कि विच इंडियन मूवी हैज बिन सेलेक्टेड फॉर द ऑस्कर 2021 यानी कि ऑस्कर 2020 में किस भारतीय फिल्म का चयन किया गया है लुसीफायर दिल्ली क्राइम जल्दी कट्टू एथिरन और लुका का यूके रविरेन का जल्दी कट्टू इसका आंसर हो जाएगा जल्दी कट्टू यानी कि ऑस्कर 2021 के जल्दू कट्टू के लिए भारत का चयन एक आतंक मलयालम फिल्म है जिसने भीड़ से पीछे प्राचीन मानस पर प्रकाश डाला जिसका दुबई कनेक्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन प्रेसिडेंट इलेक्ट जियो बेडेन विल अपॉइंट वोम एज हिज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जो बेडेन उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है फर्स्ट ऑप्शन है प्रियंका कृष्णन सेकेंड है काश पटेल थर्ड है जैक सुलिवन और फोर्थ है माला अडिगन फिफ्थ है कमला हैरिस हैरिसन का जल्दी कटू प्रतिभा शर्मा जी बी नंबर प्रतिमा शर्मा डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर जेक विल्सन यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बेडेन हैज अनाउंस थर्टी नवंबर जेक सुलिवन जेक सुलिवन ए रेसिडेंशियल टीचिंग फॉलो एट डार्ट फ्रॉम विंटर 2019 टू स्प्रिंग 2020 विल सर्व हिज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एट 44 सुलिवन विल बी

तो वर्ल्ड एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है तेईस नवंबर को खिलाफ लड़ाई में एकजुट होते हैं जो एच के साथ जी रहे हैं और एड्स से मरने वाले लोगों को समर्थन देने के लिए समर्थन करते हैं विश्व एड्स दिवस पहली बार उन्नीस में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया था थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे Mm -hmm. mm -hmm. तो यानी कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है 28 नवंबर, 30 नवंबर 3 दिसंबर 1 दिसंबर एंड 5 दिसंबर तो क्वेश्चन है कि रेजिंग डे ऑफ द बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे यानी कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है 28 नवंबर, 30 नवंबर, 3 दिसंबर, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर रवि का अगेन 1 दिसंबर अनामिका पाठक जी 5 नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर यानी सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस प्रति वर्ष एक दिसंबर को मनाया जाता है बी में तो भारतीय क्षेत्रों की रक्षा कि पहली पंक्ति भी कहा जाता है अर्द्धसैनिक बल की स्थापना पहली बार एक दिसंबर उन्नीस को हुई थी प्रतिभा नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज द सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव सहकार प्रज्ञा पहल किसने शुरू की है नरेंद्र मोदी निर्मला सीतारमन हर्षवर्धन राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर Has the है हैज लॉन्च द सहकार सहकार प्रज्ञा प्रज्ञा इनिशिएटिव किसने शुरू की नरेंद्र मोदी निर्मला सीतारामन हर्षवर्धन राजनाथ सिंह या फिर नरेंद्र सिंह तोमर प्रतिभा शर्मा फाइव रवि रेणुका तोमर नाम का पाठक ई नंबर हम आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर प्रतिभा शर्मा ई नंबर बिल्कुल सही है नरेंद्र सिंह तोमर यानी केंद्रीय कृषि और कल्याण कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी द्वारा शुरू की गई सरकार प्रज्ञा पहल का नावरण किया पहल के हिस्से के रूप में 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए 45 प्रशिक्षण मॉड्यूल चुने गए थे एनसीडीसी देश भर में इन प्रशिक्षणों के चलाने के लिए साथ साथ लक्ष्मण राव ईमानदार नेशनल एकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एल लिनैक्स चलाएगा दोस्तों एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे दस मिनट का फिर हम लाइव आते हैं ब्रेक हम लेते हैं दस मिनट का एक घंटे की क्लास की समाप्ति हो चुकी है दस मिनट का ब्रेक लेते हैं आज सेशन जो है टोटल चार घंटे का है आप बता दें आपको चार घंटे चार से साढ़े चार घंटे का सेशन होगा तो अभी दस मिनट का ब्रेक है फिर हम लाइव आते हैं पुनः थैंक यू गुड आफ्टरनून सब लोग लाइव आ जाइएगा तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि विच स्टेट चीफ मिनिस्टर है सूर्यधर लेक यानी क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधर झील का उद्घाटन किया मध्य प्रदेश कर्नाटका आसाम उत्तराखंड और राजस्थान तो क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज इनोग्रेटेड द सूर्यधर लेक यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधर झील का उद्घाटन किया मध्य प्रदेश कर्नाटक आसाम उत्तराखंड और राजस्थान मैं आपको बता दें इसका आंसर है उत्तराखंड यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला सूर्यधर झील का उद्घाटन करते हुए ये कहा आस आसपास के लगभग 20 गांवों में पीने का पानी और सिंचाई की जरूरतों को संबोधित करेंगे। आने वाले समय में एक प्रमुख पर्यटन और जल गंतव्य तैयार है उत्तराखंड की बात करें तो इसकी विंटर कैपिटल है देहरादून समर कैपिटल है गैरसेन और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर कौन है तो पी वी रानी मौर्या ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर उससे पहले आप से लोग सेशन को सब लोग शेयर कर दीजिएगा जिससे कि मैक्सिमम बच्चे लाइव आ सकें क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड डेवलपमेंट कि भारत सरकार ने किसे डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है हरप्रीत सिंह राजीव जलोटा माला अडीगा वर्षा जोशी और रवि संथानम तो आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा वर्षा जोशी यानी भारत सरकार ने वर्षा जोशी को डेयरी विकास बोर्ड एन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है जोशी भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी विभाग के संयुक्त सचिव सी डी डी है नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पल कुमार सिंह एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड लोकसभा सेक्रेटेरिएट यानी कि उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा और लोकसभा सचिवालय के महासचिव के रूप में किसने नियुक्त किया है रामनाथ कोविंद नरेंद्र मोदी एम वेंकैया नायडू मुडली मनोहर जोशी और ओम बिड़ला तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हु हैज अपॉइंटेड उत्पल कुमार सिंह एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड लोकसभा सेक्रेटेरिएट उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा और लोकसभा सचिवालय के महासचिव के रूप में किसने नियुक्त किया है आपको बता दें इसका आंसर है ओम बिड़ला यानी कि अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने उत्पल कुमार सिंह को सांसद के निचले सदन का महासचिव नियुक्त किया है सिंह को एक दिसंबर में लोकसभा सचिवालय में कैबिनेट सचिव का दर्जा और दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक यानी किस बैंक ने एक नई पुस्तक फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक जारी की है वर्ल्ड बैंक एडीबी डी एनडीबी और आरबीआई नंबर तो क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज रिलीज्ड द न्यू बुक फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक यानी किस बैंक ने एक नई पुस्तक फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक जारी की है वर्ल्ड बैंक एडीबी एआईआईबी एनडीबी और आरबीआई आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी एक नई पुस्तक के अनुसार स्वास्थ्य व्यापार वित्त और आपदा जोखिम सहित मजबूत क्षेत्रीय सहयोग रणनीतियों एशिया और प्रशांत के सरकारों को आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए कोविड नाइन्टीन महामारी एक मजबूत वसूली में मदद कर सकते हैं एडी विज्ञान प्रबंधन और सतत विकास बवांग सुशंतनों ने एक बयान में कहा कि क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण मजबूत आर्थिक विकास और गरीबी में तेजी की कमी के लिए प्रभावी चालक हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर है मंडा लोय और प्रेसिडेंट है मस्तास्कु नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएन इंटरनेशनल डे फॉर द एवोल्यूशन ऑफ सैलबेरी इज एनुअली ऑब्जर्वड ऑन विच डे संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है तीस नवंबर सेकेंड दिसंबर फिफ्थ दिसंबर फोर्थ दिसंबर या फिफ्थ फर्स्ट दिसंबर तो क्वेश्चन है कि यू इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ सेलबेरी इस जनवरी इज ऑब्जर्व ऑन विच डे यानी क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है तीस नवंबर या फिर सेकेंड दिसंबर फिफ्थ दिसंबर फोर्थ दिसंबर या फर्स्ट दिसंबर तो क्वेश्चन है कि इंटर यूएन इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ सेलवरी इज एनुअली इज ऑब्जर्व ऑन विच डे यानी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है हम आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड दिसंबर यानी कि हर साल दो दिसंबर को गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है यह दिन मानव तस्करी को समाप्त करने और मनुष्यों की शोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द एबोल्यूशन ऑफ सेल्वरी सेकेंड दिसंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे यानी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है 25 नवंबर 28 नवंबर 30 नवंबर सेकेंड दिसंबर और थर्ड दिसंबर तो क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्वड ऑन विच डे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है आपको बता दें इसका आंसर है सेकेंड दिसंबर यानी कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस दो दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में अयोग्य समुदायों के में जागरूकता पैदा की जा सके और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया जा सके दिन तकनीकी कौशल को बढ़ावा देता है खासकर बच्चों और महिलाओं में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे का मनाते सेकेंड दिसंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिलीज बुक लेट टाइटल्ड पी मोदी एंड हिज स्पेशल रिलेशनशिप विद सिक्स यानी कि किसने पीएम मोदी और उनके सरकार के सिखों के साथ विशेष संबंध शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की है जितेंद्र सिंह प्रकाश जावेड़कर हर्षवर्धन किरण रिज्जू और रमेश पोखरियाल तो क्वेश्चन है कि हु हैज रिलीज बुकलेट टाइटल्ड पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट सोशल रिलेशनशिप विद सिक्स यानी कि किसने पीएम मोदी और उनकी सरकार के सिखों के साथ विशेष संबंध शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की है जितेंद्र सिंह प्रकाश जावेडकर हर्षवर्धन किरण रिजू और रमेश पोखरियाल प्रतिभा शर्मा जी जितेंद्र सिंह बहुत बढ़िया शिवम निधि नंबर क्वेश्चन है हैज बुक टाइटल्ड पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट सोशल सॉरी स्पेशल रिलेशनशिप विद सिक्स हम आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश जावेड़कर यानी कि शहरी और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरु पूरब के अवसर पर सिखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विशेष संबंध का नामक पुस्तक का विमोचन किया पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में किया गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक अंग्रेजी हिंदी पंजाबी भाषाओं में जारी की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच म्यूजिक कंपोजर हैज अनाउंस ज द एम्बेसिडर फॉर द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफटा यानी किस संगीतकार ने ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा के लिए राजदूत के रूप में घोषणा की है प्रीतम चक्रवर्ती शंकर महादेवन ए आर रहमान बपी लहरी और अनु मलिक तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन है कि व्हिच म्यूजिक कंपोजर हैज अनाउंस्ड एज एंबेसडर फॉर द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि किस संगीतकार ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा के लिए राजदूत के रूप में घोषणा की है प्रीतम चक्रवर्ती शंकर महादेवन एआर रहमान बप्पी लहरी और अनु मलिक तो आंसर है प्रतिभा शर्मा जी एआर रहमान आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा ए आर रहमान बहुत बढ़िया यानी कि अकादमी पुरस्कार विजेता संगीत संगीतकार ए आर रहमान को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए राजदूत के रूप में घोषित किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ बाटा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बाटा जूता संगठन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है संदीप कटरिया हरप्रीत सिंह राजीव जलोटा माला अडीगा और बरसा जोशी तो क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ बाटा सू ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि बाटा जूता संगठन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ बाटा सू ऑर्गेनाइजेशंस प्रतिभा शर्मा सी नंबर तो क्वेश्चन है सीईओ ऑफ बाटा सु कि बाटा जूता संगठन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है संदीप कटारिया हरिप्रीत सिंह राजीव जलोटा माला अडीगा और वर्षा जोशी प्रतिमा शर्मा सी नंबर नीसा मिश्रा जी वेरी गुड आफ्टरनून ये नंबर तो क्वेश्चन है कि सीईओ ऑफ बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन बाटा जूता संगठन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया आपको बता दें इसका आंसर होगा संदीप कटारिया यानी कि फुटवियर प्रमुख बाटा सू ने संदीप कटारिया को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंथ डे लॉन्ग आदि महोत्सव ए फेस्टिवल ऑफ ट्राइब्स यानी कि, कि जनजातियों का त्यौहार दस दिवसीय आदि महोत्सव किसने शुरू किया है जितेंद्र सिंह अर्जुन मुंडा प्रकाश जावेरकर या हर्षवर्धन या किरण रिज्जू तो क्वेश्चन है कि लॉन्ग आदि महोत्सव ए फेस्टिवल ऑफ ट्राइब्स यानी जनजातियों के लिए त्योहार दस दिवसीय आदि महोत्सव किसने शुरू किया ठीक जितेंद्र सिंह अर्जुन मुंडा प्रकाश जावेडकर हर्षवर्धन या फिर किरण रिज्जू आपके स्क्रीन पर है आदि महोत्सव ऑफ ट्राइब्स जनजातियों का त्यौहार दस दिवसीय आदि महोत्सव किसने शुरू किया हम आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा अर्जुन मुंडा यानी आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा आभासी स्वरूप से दस दिवसीय आदि महोत्सव का शुभारंभ किया गया प्रतिभा शर्मा अर्जुन मुंडा अर्जुन मुंडा जो है अभी वर्तमान में क्या है तो आदिवासी मामलों के मंत्री हैं ये ठीक यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइब्स अफेयर्स ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा ठीक आप लोग नाम सुने होंगे अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी जितने लोग हैं उनके केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आभासीय रूप से यानी कि वर्चुअली जो है इस महोत्सव को शुभारंभ किया है यानी मध्य प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है इसकी भोपाल चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है कौन तो आनंदी बेन पटेल नेक्स्ट क्वेश्चन है दोई स्कीम हैज बिन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट दोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है बिहार उत्तर प्रदेश आसाम मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्वेश्चन है अरुणोदी स्कीम हैज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट यानी कि अरुणोदोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है बिहार उत्तर प्रदेश आसाम मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बताइएगा आंसर अरुणो डोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है प्रतिभा शर्मा आंध्र प्रदेश रवि का आसाम निशा मिश्रा जी आसाम ये नाम से ही लग रहा है अरुणोदोई कहाँ का होगा तो नॉर्थ ईस्ट का होगा तो यह आसाम की योजना है अरोदोई यानी कि आसाम सरकार ने गुवाहाटी के अमीन गांव में नुमाली जला परेड ग्राउंड में अपनी प्रमुख योजना अर्णोदोई शुरू की है आसाम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनेवाल और वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस योजना की शुरुआत की आसाम सरकार की महत्वाकांक्षी अरुणोदोई योजना महिलाओं के नेतृत्व वाले घरों और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए आसाम की बात करें तो कैपिटल इसके चीफ सर्वानंद सोनेवाल और गवर्नर को तो जगदीश मुखी नेक्स्ट क्वेश्चन ने है कि विच सिटी टॉप द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी यानी किस शहर ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप किया है न्यू दिल्ली लाहौर काठमांडू ढाका और मुंबई तो क्वेश्चन है कि विच सिटी हैजॉप्ड द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज यानी कि किस शहर ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप किया है न्यू दिल्ली लाहौर काठमांडू ढाका और मुंबई तो क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है विच सिटी टॉप द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज यानी कि किस शहर ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप किया है पहला आंसर रवि रेणुका लाहौर प्रतिभा शर्मा बी नंबर निशा मिश्रा लाहौर इसका आंसर हो जाएगा लाहौर यानी कि आपको बता दें हम कि पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर एक बार फिर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर है अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक द्वारा जारी वायु प्रदूषण के आंकड़ों के अनुसार लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है सूचकांक के अनुसार लाहौर ने चार के एक कन पी रेटिंग की रिपोर्ट की पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची एक क्यू वन पर सातवें स्थान पर रही है और नई दिल्ली दो के पीएम के साथ दूसरे स्थान पर आया जबकि नेपाल की राजधानी काठमांडू एक के पीएम के साथ तीसरे सबसे खराब स्थान पर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी इज होस्टिंग द फर्स्ट वर्चुअल सेलिब्रेशन ऑफ हॉर्नबिल हॉर्नबिल फेस्टिवल फेस्टिवल 2020 2020 यानी कि के पहले आभासी उत्सव की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है न्यू दिल्ली सिक्किम मणिपुर नागालैंड और हिमाचल प्रदेश बताइएगा क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है विथ सिटी इज होस्टिंग द फर्स्ट वर्चुअल सेलिब्रेशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल टू कि फेस्टिवल बिल फेस्टिवल 2020 के पहले उत्सव की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है न्यू दिल्ली सिक्किम मणिपुर नागालैंड हिमाचल प्रदेश निशा मिश्रा पहला आंसर नागालैंड अवीर नागालैंड प्रतिभा शर्मा नागालैंड तो क्वेश्चन है विच सिटी इज होस्टिंग द फर्स्ट वर्चुअल सेलिब्रेशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 यानी कि हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 में पहले आभासी उत्सव की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो नागालैंड नाइने की क्वेश्चन क्या है कि नागालैंड उस महीने के पांच तारीख तक हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 के पहले आभासी उत्सव का आयोजन कर रहा है त्योहारों को त्योहार के रूप में डब किया गया हॉर्नबिल फेस्टिवल एक साल कोहिमा जिले के तहत नागा हेरिटेज विलेज का एक मंच पर नागाओं की समृद्ध संस्कृति विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्य हॉर्नबिल त्योहार दो तक अपने इक्कीसवें संस्म संस्करण को पूरी तरह से आभासी मोड़ पर पकड़ रहा है त्योहारों की सामग्री सरकारी अवलेखाघार से प्राप्त की जाएगी हैप्पी वर्चुअल सेलिब्रेशन हॉर्नविल फेस्टिवल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर हु हैज इनोग्रेटेड हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ प्रोग्राम इन फाइव स्टेट तो क्वेश्चन है हु हैज इनग्रेटेड हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ प्रोग्राम इन फाइव स्टेट यानी पांच राज्यों में हनी किसान निर्माता कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया अमित शाह पीयूष गोयल नितिन गडकरी नरेंद्र सिंह तोमर और रमेश पोखरियाल निशंक निशा मिश्रा डी नंबर निधि सिंह डी नंबर निशा मिश्रा नरेंद्र सिंह तोमर प्रतिभा शर्मा तोमर आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर तिवारी सरमत तोमर नरेंद्र सिंह तोमर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटर्स मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का हानी एफपीओ प्रोग्राम नाफेड का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 26 नवंबर 2020 को किया था उद्घाटन कार्यक्रम को ऑनलाइन आयोजित किया गया था इससे देश के विभिन्न हिस्सों के नए एफपीओ किसानों और एफपीओ ने भाग लिया था नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद इज़ डिबिलिटी ऑन विच डे यानी कि विकलांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है ठीक पहला ऑप्शन है तीस नवंबर सेकेंड दिसंबर फिफ्थ दिसंबर थर्ड दिसंबर या फर्स्ट दिसंबर बताएगा क्वेश्चन का आंसर पहला आंसर निधि सिंह तोमर प्रतिभा शर्मा जी एक दिसंबर बताइएगा क्वेश्चन जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बताते जाइए सब लोग नीसा मिश्रा थर्ड दिसंबर तो क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे यानी कि विकलांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा थर्ड दिसंबर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिबिलिटी जिसे विश्व विकलांगता दिवस भी कहा जाता है वैसे हमारे देश में इसे इन्हें मोदी जी ने कहा कि विकलांग नहीं दिव्यांग कहना है तीन दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है निर्माण बेहतर है समावेशी और सुलभ टिकाऊ पोस्ट कोविड नाइन्टीन दुनिया की ओर जिनके साथ विकलांग व्यक्ति है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी थर्ड दिसंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल रोड्स जनरल बोर्डर रोड्स यानी सत्ताइस में महानिदेशक सीमा सड़क के रूप में किसने प्रभार ग्रहण किया है अजय कुमार राजीव चोपड़ा हरिंदर सिंह राजीव चौधरी और योगेश कुमार जोशी तो क्वेश्चन है कि हु हैज एज द चार्ज एज ट्वेंटी सेवेंथ डायरेक्टर जनरल बोर्डर रोड्स यानी कि सत्ताइस में महानिदेशक सीमा सरक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है ए समिश्रा बी नंबर प्रतिभा शर्मा सी नंबर आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा राजीव चौधरी सी नंबर राजीव चौधरी डी मिश्रा राजीव चौधरी यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने 1 दिसंबर 2020 को 27वें महानिदेशक सीमा सरक डीजीबीआर के रूप में पदभार ग्रहण किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हैज साइंड नेमो यू विद विच कंट्री टू कॉपरेट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर द नेक्स्ट टीन इस यानी कि भारत ने अगले दस वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और सुरक्षा पर सहयोग करने के लिए किस देश के साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं ऑस्ट्रेलिया यूएसए यूके श्रीलंका और भूटान तो क्वेश्चन है कि इंडिया हैज साइंड विद विच कंट्री टू कॉपरेट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर द नेक्स्ट इन ईयर्स यानी कि भारत ने अगले दस वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और सुरक्षा पर सहयोग करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ऑस्ट्रेलिया यूएसए यूके श्रीलंका और भूटान बताइएगा क्वेश्चन का आंसर प्रतिभा शर्मा यूएसए तो क्वेश्चन है कि इंडिया साइंड एन एमओ यू with which country with which country to cooperate and intellectual property examination and protection for next 10 years यानी कि भारत ने अगले दस वर्ष के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और सुरक्षा पर सहयोग करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ऑस्ट्रेलिया यूएसए यूके, श्रीलंका और भुटान. तो क्वेश्चन कि इंडिया साइन एंड एमओ यू विद कंट्री टू कॉपरेट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर द नेक्स्ट टेन ईयर्स यानी कि भारत ने अगले दस वर्ष के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और सुरक्षा पर सहयोग करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इसका आंसर हो जाएगा यूएसए यानी हम आपको बता दें कि भारत और अमेरिका ने अगले दस वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और सुरक्षा पर सहयोग करने के लिए दोनों देशों में आईपी सिस्टम को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इंडिया की बात करें तो कैपिटल न्यू दिल्ली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए की कैपिटल कहा तो वॉशिंगटन डीसी प्रेसिडेंट है जो बिडेन और करेंसी कौन सी तो यूएस डॉलर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि है, कि विच है तो पी फाइजर एंड बायोटेक कोविड नाइनटीन वैक्सीन औपचारिक रूप से फाइजर और बायोटेक कोविड नाइनटीन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है यूके यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया तो और कनाडा शर्मा यूएसए बहुत बढ़िया तो क्वेश्चन है कि कंट्री हैज बिकम फर्स्ट फॉर्मली अप्रूव पी फाइजर एंड बायोनटेक कोविड नाइनटीन वैक्सीन यानी कि औपचारिक रूप से पी फाइजर और कोविड नाइनटीन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है यूके यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा आंसर निशा मिश्रा यूके तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट फॉर्मली अप्रूव द पी फाइजर एंड बायोनटेक कोविड 19 वैक्सीन आंसर हो जाएगा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम औपचारिक रूप से महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक प्रतीकात्मक मील का पत्थर टी फाइजर और बायोटेक कोविड 19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है यूके की बात करें अगर हम लोग तो कैपिटल कहा लंदन प्रेसिडेंट है बोरिस जॉनसन और करेंसी कौन सी पॉन्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है ने कि, विच स्टेट गवर्नमेंट है यूनिफाइड इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 यानी किस राज्य सरकार ने एकीकृत एक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को मंजूरी दी है तमिलनाडु उत्तराखंड कर्नाटक मध्य प्रदेश और ओडिशा तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव द यूनिफाइड इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 यानी किस राज्य सरकार ने एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर एक हेल्प 112 को मंजूरी दी है तमिलनाडु उत्तराखंड कर्नाटक मध्य प्रदेश और ओडिशा तो क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द यूनिफाइड इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 यानी किस राज्य ने एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को मंजूरी दी है प्रतिभा शर्मा मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा यानी कि ओडिशा सरकार ने संकटग्रस्त लोगों को पुलिस सहायता के सभी प्रकार प्रदान करने के लिए एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर एक 112 को मंजूरी दी है दो दिसंबर को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सेवा का शुभारंभ करते हुए कहा कि समेकित हेल्पलाइन नंबर से पुलिस लोगों के कुशल तरीके से सेवा मुहैया करा सकेंगी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा ओडिशा की बात करें तो कैपिटल भुवनेश्वर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है तो गणेशी लाल नेक्स्ट क्वेश्चन है द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव साइंड ए 50 मिलियन लोन टू विच स्टेट डिजिटल प्लेटफॉर्म टू पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म्स यानी कि एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने सार्वजनिक वित्त सुधार के लिए किस राज्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 50 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल कर्नाटका केरला और ओडिशा तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है द एशियन डेवलपमेंट बैंक द एशियन डेवलपमेंट बैंक क्वेश्चन था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 50 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल कर्नाटक केरला और ओडिशा इसका आंसर क्या हो जाएगा हम आपको बता दें हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी कि एशियाई विकास बैंक भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं और परिचालन क्षमता में सुधार के लिए 50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं यह पश्चिम बंगाल के लोक वित्त प्रबंधन निवेश कार्यक्रम एक आर्थिक मामलों के विभाग और एशियाई विकास बैंक के बीच हस्ताक्षरित किए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर कहा है तो मंडा लुल फिलीपींस प्रेसिडेंट मोस्ताकू अस्काबा वेस्ट बंगाल की बात करें तो कैपिटल कोलकाता चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और गवर्नर कौन है तो जगदीप धनकर नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव साइंड 132.8 मिलियन लोन टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इन विच स्टेट यानी कि एशियाई विकास बैंक और भारत और सरकार भारत ने किस राज्य में बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं मेघालय उत्तर प्रदेश आसाम मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश तो क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक और भार, और सरकार भारत के किस राज्य में बिजली वितरण क्षेत्र और मजबूत करने के लिए एक आठ मिलियन ऋण पर हस्ताक्षरित किए हैं तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बताइएगा क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रेंथन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इन विच स्टेट यानी कि एशियाई विकास बैंक और सरकार भारत ने किस राज्य के बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं इसका आंसर हो जाएगा मेघालय यानी कि एशियाई विकास बैंक और केंद्र ने एक मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षरित किए जिसका उद्देश्य वितरण नेटवर्क को मजबूत करना और आधुनिकीकरण करना मेघालयों के घरों उद्योगों और व्यवसायों को आपूर्ति की गई बिजली की गुणवत्ता में सुधार करना मेघालय की बात करें तो कैपिटल शिलॉन्ग चीफ मिनिस्टर कोरनाट संगमा और गवर्नर कौन है सत्यपाल मलिक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है फर्स्ट या फिफ्थ या या याथ या 17th. तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है

जैसा कि 2020 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार ग्रेटर मिडिल ईस्ट आतंकवाद का अनुसार दक्षिण एशिया को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है एक देशों में आतंकवाद के प्रभाव का विश्लेषण वैश्विक जनसंख्या का निन्यानवे प्रतिशत से अधिक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन पिच डे भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है फोर्थ दिसंबर सेकेंड दिसंबर फिफ्थ दिसंबर थर्ड दिसंबर या फर्स्ट दिसंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है बताइएगा आंसर वेरी गुड आफ्टरनून वाइल्ड एनिमल जी वाइल्ड एनिमल ए नंबर निशा मिश्रा 4 दिसंबर और टीया 369 ए नंबर तो क्वेश्चन है इंडियन नेवी इज ऑब्जर्वड एनुअली ऑन व्हिच डे भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है ठीक तो आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर बिल्कुल सही है वाइल्ड एनिमल निशा मिश्रा और टीया यानी कि हर साल भारत ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट नंबर ए, ए, ए आक्रमण की याद में में दिसंबर को 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 दिवस के के रूप मनाया जब भारतीय ने कराची बंदरगाह पाकिस्तानी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया उसी दिन नेवी के अंत चिन्हित किया गया जो कि प्रति वर्ष मनाया जाता है नौसेना दिवस कब मनाते हम लोग फोर्थ दिसंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि किस राज्य के पुलिस स्टेशन को देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन चुना गया है सिक्किम मणिपुर मिजोरम हिमाचल प्रदेश और आसाम तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच पुलिस स्टेशन विच स्टेट पुलिस स्टेशन द बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन इन द कंट्री यानी किस राज्य के पुलिस स्टेशन को देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन चुना गया सिक्किम मणिपुर मिजोरम हिमाचल प्रदेश और आसाम तो पहला आंसर निशा मिश्रा मणिपुर निधि नंबर नंबर मणिपुर। वाइल्ड एनिमल डी नाइन बी नंबर वाइल्ड एनिमल जी आपका आंसर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन क्या था कि किस राज्य के पुलिस स्टेशन को देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन चुना गया है आंसर होगा बी नंबर मणिपुर मणिपुर के थौबल जिले में नोंग पोंग को देश के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया इसके बाद तमिलनाडु के सलेम शहर में ए डब्ल्यू पी एस सुरमंगला सुरमंगलम और अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के खरसांग का स्थान है पेक सेक माई पुलिस स्टेशन मनीपुर जिसकी कैपिटल है इम्फाल चीफ मिनिस्टर अभी एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा है नेक्स्ट दो दिसंबर 2 दिसंबर 2020 को जलवायु आपातकाल घोषित किया है ऑस्ट्रेलिया यूएसए यूके श्रीलंका और न्यूजीलैंड क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्वेश्चन है विच कंट्री है दिसंबर सेकेंड दिसंबर 2020 थाउजेंड एज क्लाइमेट इमरजेंसी यानी कि किस देश ने दो दिसंबर 2020 को जलवायु आपातकाल घोषित किया है ऑप्शन पहला ऑस्ट्रेलिया सेकेंड है यूएसए थर्ड यूके फोर्थ है श्रीलंका एंड फिफ्थ है न्यूजीलैंड तो क्वेश्चन का आंसर बताएगा विच कंट्री हैज डिक्लेयर सेकेंड दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी एज क्लाइमेट इमरजेंसी यानी कि किस देश ने 2 दिसंबर 2020 को जलवायु आपातकाल घोषित किया है ऑस्ट्रेलिया यूएसए यूके श्रीलंका और न्यूजीलैंड आंसर पहला वो दिया टी ए और डी बेटा ये आइदर और नहीं चलेगा ए और डी एक आंसर बताओ या तो ए या डी आंसर कुछ ऐसा है कि ना मुझे ए लग रहा है ना डी लग रहा है मिश्रा जी दो तो दिसंबर 2 दिसंबर 2020 को जलवायु आपातकाल घोषित किया है आपको बता दे, इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड यानी कि न्यूजीलैंड ने दो दिसंबर 2020 को एक जलवायु आपातकाल की घोषणा की और वादा किया कि सरकार 2025 तक कार्बन तथस्थ बन जाएगी न्यूजीलैंड की बात करें तो कैपिटल वेलिंगटन

नौमा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया तमिलनाडु उत्तराखंड कर्नाटक ओडिशा और मध्य प्रदेश तो क्वेश्चन है कि नाइन्थ एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट यानी कि अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का नौवा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है तमिलनाडु उत्तराखंड कर्नाटक ओडिशा और मध्य प्रदेश पहला आंसर वाइल्ड एनिमल सी नंबर उत्तराखंड कर्नाटक दूसरा आंसर निशा मिश्रा ओडिशा तो क्वेश्चन है एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट यानी कि अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का नौवा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया हम आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल का नौवा संस्करण ओडिशा के पूरे जिले के कोनार के चंद्रभागा के बीच सरकारी कोविड 19 प्रोटोकॉल पालन के साथ महोत्सव में देश भर में लगभग 70 कलाकार हिस्सा लेंगे ओडिशा की बात करें तो कैपिटल भुवनेश्वर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है तो गणेशी लाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन है कि आरबीआई डायरेक्टेड विथ बैंक टू स्टॉप स्विंग क्रेडिट कार्ड यानी कि आरबीआई ने किस बैंक को क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने का निर्देश दिया है SBI पंजाब नेशनल बैंक HDFC बैंक Axis बैंक और ICICI बैंक तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि RBI has directed which bank to stop swing credit card RBI ने किस बैंक को क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने का निर्देश दिया है पहला आंसर निशा मिश्रा HDFC आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा HDFC रिजर्ण बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक के नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने और किसी भी नए डिजिटल कारोबार को शुरू करने का निर्देश दिया है रोकने के लिए मतलब अभी नहीं कोई डिजिटल कारोबार होगा यह आदेश एच बैंक की ऑनलाइन सेवाओं की छाया में पिछले दो वर्षो की आउटेज बढ़ती संख्या का अनुभव कराता है आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो अभी कौन है वर्तमान में बीपी कानून को एमके जैन माइकल देवव्रत पात्रा और एम राजेश्वर राव आरबीआई की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई गवर्नर शक्तिकांत दास एचडीएफसी बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई और सीईओ शशिधर जगदीशन

यानी कि कोटक हारून लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है टी 369 बी नंबर वाइल्ड एनिमल बी नंबर डी नंबर नामिका पाठक जी सी नंबर निशा मिश्रा डी नंबर तो क्वेश्चन है कि हु इज द वेल्थियस्टमैन तो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू कोटक हारून लिस्ट यानी कोटक हारून सूची के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है निशा मिश्रा रोशनी नादर बहुत बढ़िया बेटा रोशनी नादर मल्होत्रा यानी कि एच सी एल टेक्नोलॉजी की, की चेयरपर्सन रोशनी नादर कोटक वेल्थ हारून लीडिंग वेल्थी ओमैन की सूची के अनुसार 2020 की सबसे भारत की सबसे धनी महिला है रोशनी नादर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी टॉप द टू थाउजेंड ट्वेंटी फॉर्चून 500 लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनी भारतीयों की दो हजार बीसून फाइव हंड्रेड सूची में स्टेट बैंक ऑयलोरेशन तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइएगा कि विच कंपनी टॉप द टू थाउजेंड ट्वेंटी फॉर्चून फाइव हंड्रेड लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज यानी कि भारतीय कंपनियों के दो हजार बीस फॉर्चून फाइव हंड्रेड सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिलायंस इंडस्ट्री टाटा मोटर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विस या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वाइल्ड एनिमल बी नंबर निशा मिश्रा जी रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि भारतीय कंपनियों की, की फॉर्चून 500 सूची में तेल उद्योग टीआर थ्री सिक्सटी नाइन बी नंबर का टेलीकॉम कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने दिसंबर को फॉर्चून इंडिया की घोषणा की है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ग्रोथ इज इज लाइफ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर हु द द बिकम प्रेसिडेंट ऑफ ऑफ फेडरेशन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बने हैं प्रशांत कुमार उदय शंकर कास पटेल वर्षा जोशी या हरिप्रीत सिंह तो क्वेश्चन है कि हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बने हैं प्रशांत कुमार उदय पटेल वर्षा जोशी या हरिप्रीत सिंह तो पहला आंसर निशा मिश्रा उदय शंकर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है हैज बिकम द प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उदय आपको बता दें आप का मीडिया कार्यकारी उदय शंकर को वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए फिक्की का नाम सुना होगा आप लोगों ने फेडरेशन इंडस्ट्री चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया कहते हैं इसको कि अध्यक्ष के चुनाव के रूप में नामित किया गया है फिक्की की तिरानवी वार्षिक आम बैठक एजिया में ग्यारह बारह और चौदह दिसंबर 2020 को आयोजित होने के दौरान शंकर संगीता रेड्डी अध्यक्ष फिक्की और संयुक्त प्रबंध निदेशक अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप्स में होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक इज ऑब्जर्व ऑन विच डे बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है थर्ड दिसंबर सिक्स दिसंबर फिफ्थ दिसंबर सेकेंड दिसंबर और फोर्थ दिसंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से फटाफट International Day of Banks is observed on which day? इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक इज ऑब्जर्व ऑन विच डे बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है तीन दिसंबर छह दिसंबर पांच दिसंबर दो दिसंबर चार दिसंबर पहला आंसर निशा मिश्रा जी फोर्थ दिसंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बताइएगा क्वेश्चन का आंसर इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक बैंकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है वाइल्ड एनिमल डी नंबर सेकेंड दिसंबर वाइल्ड एनिमल शायद आपका आंसर सही नहीं है तो क्वेश्चन था इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक इज ऑब्जर्व ऑन विच डे हम आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ दिसंबर यानी कि 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प अपनाया जिसने 4 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकास दिवस के रूप में बैंकों की बहुपक्षीय विकास बैंकों और अन्य अंतरराष्ट्रीय विकास बैंकों की सतत क्षमता के वित्त पोषण और मान्यता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता के रूप में नामित किया जीवन स्तर के सुधार में योगदान करने के लिए सदस्य राज्यों के बैंकिंग प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता दी है नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इसके बाद हम फिर से सेशन स्टार्ट करेंगे दो बजकर तीस मिनट पर ठीक है तो एक सेशन मेरा मिनट से फोर थर्टी तक रहेगा तो आप सभी इस सेशन में जरूर लाइव आइएगा तो क्वेश्चन है वर्ल्ड स्वाइल डे इज ऑब्जर्व ऑनवली ऑन विच डे यानी कि विश्व मृदा दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है ऑप्शन में फोर्थ दिसंबर सेकेंड दिसंबर फिफ्थ दिसंबर थर्ड दिसंबर और फर्स्ट दिसंबर आंसर निशा मिश्रा जी फिफ्थ दिसंबर तो क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्वाइल डे इज एंड वली ऑन विच डे विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है चार दिसंबर दो दिसंबर पांच दिसंबर तीन दिसंबर एक दिसंबर हम आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ दिसंबर यानी कि हर साल वाइल्ड एनिमल फिफ्थ दिसंबर हर साल पांच दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि लोगों को स्वस्थ मिट्टी के महत्व के साथ साथ मिट्टी के संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के महत्व पर ध्यान और ध्यान केंद्रित किया जा सके 2019 में यह दिवस 560 आयोजन के माध्यम से 100 से अधिक देशों में मनाया गया वर्ल्ड स्वाइल्ड डे फिफ्थ दिसंबर तो नीसा मिश्रा जी टिया थ्री सिक्सटी नाइन वाइल्ड एनिमल जी आप सभी लोग आ जाइएगा टू तो थर्टी यानी कि ढाई बजे दिन के ढाई बजे आप सभी लोग लाइव आ जाइएगा ठीक है अभी हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया तो आप लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और एक अच्छा से यूट्यूब पे कमेंट करिएगा और अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जरूर ले लीजिएगा मेरा रेफरल कोड है आरपी के टेन जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे आपको टेन परसेंट तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर सब्सक्रिप्शन के लिए यानी सबसे पहले करना क्या है कि अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है मैंने गोल में जाना है गोल सेलेक्ट करना है बैंक एस ए रेलवे बीपीएससी यूपीएससी और मेरा वहां पर रेफरल कोड यूज करना है आरपी के टेन जैसे इस कोड को आप यूज करेंगे आपको इंस्टेंट टेन परसेंट तक का डिस्काउंट मिल जाएगा थैंक यू थैंक यू सो मच फिर मिलते हैं दो बजकर तीस मिनट पे तो वाइल्ड एनिमल जी जरूर लाइव आइएगा आप टू थर्टी पी एम टी नीसा मिश्रा सब लोग लाइव आ जाइएगा टू थर्टी पीएम थैंक यू थैंक यू सो मच